जो बात हमें काफी पहले से डराती आ रही है आखिरकार वो बात सच निकली। अब सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और उसके टावर से निकलने वाली तरंगे हमारे लिए बेहद खतरनाक हैं। इतनी खतरनाक कि इंसानी सेहत के लिए कई गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। भूलने की बीमारी, नींद ना आना, इस तरह की तमाम परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा पेट की परेशानियां और साथ ही साथ कंसंट्रेशन की कमी भी हो सकती है। एक सरकारी कमेटी ने मुकम्मल जांच के बाद ये नतीजे निकाले हैं। सरकार ने मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के सदस्य भी शामिल थे। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बड़े शहरों से तितलियां, मधुमक्खियां, गौरैया जैसे जीव जंतु तेजी से गायब हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी यही वजह है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खतरों से बचना है तो कई सावधानियां बरतने की जरूरत होगी और कई इंतजाम करने पड़ेंगे। मसलन मोबाइल फोन पर ज्यादा लंबी बातचीत करने से बचें, अगर जरूरी हो तो स्पीकर फोन या फिर एयरफोन का ही इस्तेमाल करें। सोते वक्त मोबाइल फोन को अपने पास न रखें और छोटे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर ही रखा जाए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मोबाइल फोन के टावर घनी आबादी से दूर लगाए जाएं। स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान के नजदीक ये टावर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में देश का चप्पा चप्पा मोबाइल फोन के टावरों की जद में है। खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में इन टावरों का जाल बिछा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि राजधानी कितनी खतरनाक है मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन की सूरत। आज तक ने एक्सपर्ट के साथ इस बात की खास पड़ताल की है। क्या आपके मोहल्ले में किसी मोबाइल कंपनी का टावर है? अगर हाँ तो यूं समझिए कि खतरा कहीं आपके आसपास ही मंडरा रहा है। खतरा रेडिएशन का, खतरा कई तरह की बीमारियों का। जी हाँ, अब तक मोबाइल और मोबाइल टावरों की बढ़ती तादाद को लेकर सिर्फ शक जताया जा रहा था, लेकिन पहली बार एक सर्वे में ये बात साबित हो गई है कि मोबाइल कंपनियों के टावर आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि इन टावरों से निकल रहे हैं बेहद खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेवल अंतरराष्ट्रीय मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सुरक्षा के उपकरण बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली के कई इलाकों में इन तरंगों को नापा और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 14 में से 9 जगहों पर रेडियो वेव की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मानक से बहुत ज्यादा पाई गई। कई जगहों पर तो रेडिएशन का लेवल सामान्य से 15 गुना तक अधिक पाया गया। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे दिखाते हैं। अक्षरधाम फ्लाईओवर, जिन 14 जगहों पर मोबाइल टावर के रेडिएशन चेक किए गए उनमें सबसे ज्यादा रेडिएशन अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास मिला। यहाँ रेडिएशन का लेवल 8000 से 10000 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से तय सीमा 600 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर है। INA मार्केट में भी रेडिएशन का लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पाया गया। यहाँ भी ये 8000 से 10000 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर था, जो कि सामान्य से 15-20 गुना ज्यादा है। इस इलाके में रहने वाले लोग रेडिएशन के इस खतरे से परेशान हैं।